जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी। शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दो और स्पेशल सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। जहांगीरपुरी में पुलिस ने हिंसा मामले में पहचाने गए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जफर और बाबुद्दीन के रूप में हुई है। इन दोनों पर आरोप है कि हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान जुलूस पर दोनों ने कांच की बोतलों से हमला किया था। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि इन दोनों ने हिंसा के दौरान तलवार लहराई थी। दोनों आरोपित रिश्ते में भाई है। दोनों पर आरोप है कि दोनों पूरी तैयारी के साथ भीड़ में शामिल हुए और इसके बाद न केवल हिंसा की बल्कि दोनों भाइयों ने दूसरे लोगों को भी भड़काया। इन दोनों पर आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान जुलूस पर दोनों ने कांच की बोतलों से हमला भी किया था। जफर और बाबुद्दीन ने हिंसा में जमकर बोतलों और तलवारों से शोभा यात्रा में जा रहे लोगों पर हमला किया था। दोनों भाई इस भीड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जख्मी करने की फिराक में थे, लेकिन हिंसा के बाद ये दोनों फरार हो गए थे। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और अंत में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके राहत की सांस ली है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मोहम्मद फरीद उर्फ नीतू के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के एसीपी वेद प्रकाश शर्मा की टीम काफी समय से फरार चल रहे हिंसा के आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। सेल की टीम पिछले दो हफ्तों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बंगाल में उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन कई मौकों पर ये लोग बच निकलने में कामयाब हो गए। आखिरकार सेल की टीम ने उसे बंगाल के मिदनीपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में फरीद ने बताया कि वो हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अंसार के साथ दंगों में सक्रिय था। फरीद जहांगीरपुर इलाके का घोषित बदमाश है और डकैती के 6 से ज्यादा मामलों में वांछित है। पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी हिंसा में मुख्य भूमिका में शामिल फरीद उर्फ नीतू को काफी मशक्कत के बाद बंगाल के मिदनापुर से गिरफ्तार कर लिया। फरीद उर्फ नीतू पर पहले से ही डकैती के 6 मामले चल रहे हैं और इलाके का घोषित अपराधी भी है। इस गिरफ्तारी से ये साफ हो गया है कि हिंसा में कई गैंगस्टर भी शामिल थे। अभी तक जहांगीरपुरी हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार समेत 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा हिंसा में शामिल 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं, जो फिलहाल बाल सुधार गृह में हैं। हिंसा क्या सोची समझी साजिश थी? पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल को स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के पास भेज दिया गया है। इस यूनिट के पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से फोन से डिलीट किए गए डाटा को रिस्टोर किया जा सकता है। मोबाइल की जांच से ये पता लग सकेगा कि इनके बीच किस तरह की बातें हुई थी। जहांगीरपुरी हिंसा महज एक संयोग था या प्रयोग, इस बात का खुलासा क्राइम ब्रांच की जांच में हो गया है। हिंसा में 30 से ज्यादा गिरफ्तारी और कई गैंगस्टरों का हिंसा में शामिल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि दंगों की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच कड़ी जोड़कर आरोपियों तक पहुंच रही है, लेकिन आरोपी भी पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।